सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आपने लास्ट हमारी वीडियो देखी होगी लातविया की टेम्परेरी रेजिडेंस पे। बहुत फास्ट रेजिडेंसी होती है इस कंट्री में, काफ़ी डाउट्स हैं लोगों के क्योंकि कॉल्स बहुत आई हैं और उसमें से काफ़ी लोगों के डाउट्स थे और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे। हमने सोचा कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं कि जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें आपको कन्फ्यूजन थी काफ़ी। तो मैं चाहता हूँ कि वो डाउट्स आपके क्लियर हों, हम जो आपके क्वेश्चंस आए हैं मैक्सिमम उनके आंसर दे पाए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, आपको काफ़ी चीज़ें जो है इसमें समझ आएंगी। एक काफ़ी लोगों का डाउट है कि ये पॉसिबल नहीं है कि लातविया में 15 डेज़ के अंदर रेजिडेंस कार्ड मिल जाए। बिल्कुल पॉसिबल है ये। लातविया एक ऑप्शन देता है कि आपका जो इमिग्रेशन रिजल्ट है वो आप 5 वर्किंग डेज़ में भी ले सकते हैं। आपको 15 वर्किंग डेज़ में चाहिए तो आपकी एम्बेसी फीस 200 यूरो जाती है, बट आपको 5 वर्किंग डेज़ में चाहिए तो आपको 400 पे करने। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, लातविया की इमिग्रेशन साइट पे जाके एम्बेसी फीस चेक करें। आप गूगल पे PMLP लातविया लिखेंगे तो आपके पास साइट ओपन होगी, उस पर एम्बेसी फीस चेक करें कि वर्क वीज़ा के लिए एम्बेसी फीस कितनी है। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको 15 डेज में रिजल्ट चाहिए या फिर 5 वर्किंग डेज में चाहिए। तो दोनों की फीस अलग है, तो मीन्स जब आप फाइल सबमिट करेंगे तो विद इन 5 वर्किंग डेज आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और 5 वर्किंग डेज में जब आपको रिजल्ट आता है तो बायोमेट्रिक की वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे नियरेस्ट किसी भी बायोमेट्रिक सेंटर में जाएंगे अपना अप्रूवल लेटर लेके, तो वहाँ पे अपनी जो अपॉइंटमेंट लेंगे बायोमेट्रिक की, बाय हैंड भी आपको मिल जाती है। तो आप अगले दिन ही जाके अपने बायोमेट्रिक सबमिट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जस्ट क्या चाहिए, आपको एक एक्सरे करवाना है, साथ में आपको क्या करना है, एक इंश्योरेंस लेना है 1 ईयर का। आपकी एक्सरे रिपोर्ट नहीं आई मान लो एक दिन में, और आप क्या कर सकते हो, बायोमेट्रिक के लिए जाओ, बायोमेट्रिक दो और वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए तो आप कह सकते हो कि जिस दिन मैं रेजिडेंस कार्ड लेने आऊँगा उस दिन मैं सबमिट कर दूँगा। तो वो आपको दो ऑप्शन देंगे कि आपको अब रेजिडेंस कार्ड जो है विद इन 10 वर्किंग डेज चाहिए या 2 वर्किंग डेज चाहिए। यदि आपको 10 वर्किंग डेज के अंदर चाहिए तो उसकी फ़ीस है 10 यूरो, और यदि आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर चाहिए तो उसकी फ़ीस है 30 यूरो। तो मीन्स आपको 30 यूरो पे करने हैं और आपका जो रेजिडेंस कार्ड है विद इन 2 डेज आ जाएगा। और एक्सरे रिपोर्ट आपको नॉर्मली 24 आवर या 48 आवर में मिल जाती है, और वहाँ पे भी आप प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हो। यदि आपको फास्ट एक्सरे रिपोर्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पे करेंगे, 20 यूरो एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको विद इन 24 आवर आपकी एक्सरे रिपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि ये सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको कंपैरिजन पुर्तगाल से नहीं कर सकते कि पुर्तगाल में काफ़ी टाइम लग रहा है तो मीन्स आपका लातविया में भी सेम काफ़ी टाइम लगेगा। किसी और कंट्री में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लातविया में भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ है। और 15 वर्किंग डेज टोटल कैसे लगते हैं, क्योंकि जो आपके लिए जॉब अवेलेबल वहाँ पे होगी, हमने आपके लिए जो जॉब अरेंज की हुई है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम इमिग्रेशन से पहले ही अप्रूवल लेके रखते हैं कि ये पर्सन को ये जॉब के लिए फिट किया गया, कि इस पर्सन को इस जॉब के लिए चूज़ किया गया, ये इसका रिज्यूम है, क्या इसको हायर किया जा सकता है इस कंपनी के लिए कि नहीं। तो इमिग्रेशन उसकी अप्रूवल दे देती है विद इन 4 to 5 डेज। वो आपके ट्रैवल करने से पहले अप्रूवल ली जा सकती है, उसके लिए आपका लातविया में होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास वैलिड शेंगन वीज़ा होना चाहिए, जो हमें शो करना होता है कि इसके पास वैलिड शेंगन वीज़ा है और ये यहाँ पे लातविया में आ रहे हैं और इस जॉब अवेलेबल है, हम इनको हायर करना चाहते हैं। कंपनी की तरफ से आपको वो इन्विटेशन होता है जो कंपनी आपको हायर कर रही है, तो इमिग्रेशन उसमें अप्रूवल दे देती है। और यदि अप्रूवल नहीं आती तो आपकी कोई भी कोर्स नहीं है, कोई भी आपका रिस्क कम नहीं है उसमें। आपसे जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया गया आपका 100% रिफंड होगा यदि आपकी इनिशियल अप्रूवल नहीं आती है एम्बेसी से आपकी जॉब को लेके। बट जैसे ही अप्रूवल आ जाती है उसके बाद आपको लातविया में पहुंचना है, लातविया में पहुंचने के बाद अपनी फाइल सबमिट कर देनी है और वहां पे आपको 400 यूरो जो है एम्बेसी फीस जाती है और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हो जाते हैं। और फिर 5 वर्किंग डेज में आपका अप्रूवल आ गया और 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको कार्ड मिल गया, तो टोटल 7 वर्किंग डेज चाहिए। लेकिन फाइल प्रिपेयर करने के लिए भी 2-3 दिन लग जाते हैं और बीच में सैटरडे संडे भी आएगा तो वो भी काउंट नहीं वो कर सकते, तो इसलिए 15 वर्किंग डेज नॉर्मली हम लेके चल रहे हैं कि इस प्रोसेस के टाइम के बीच में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कार्ड मिल जाएगा।
तो ये टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड है, काफ़ी जनों को लग रहा था कि ये परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है। परमानेंट रेजिडेंस कार्ड बिफोर 5 ईयर किसी भी कंट्री में नहीं मिलता है। आप शेंगेन की कहीं पे भी कंट्री में जाएंगे तो 5 ईयर आपको चाहिए चाहिए। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जर्मनी में या कुछ अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे आपको जल्दी मिल सकता है, बट नॉर्मली 5 ईयर आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड है 1 ईयर के लिए। तो एक क्वेश्चन और था कि लातविया में रेजिडेंस कार्ड लेने के बाद तो क्या हम किसी और कंट्री में जॉब फाइंड करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आपको किसी और कंट्री से ऑफ़र मिल जाता है, आपको जॉब ऑफर मिलता है, तो आपने क्या करना है, वर्क वीज़ा अप्लाई करना है लातविया से। आपको अपनी होम कंट्री में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पुर्तगाल से जॉब ऑफर मिल रहा है तो अपना वर्क वीज़ा जो है आप लातविया में बैठे बैठे अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। आप जॉब सीकर वीज़ा लातविया में बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं, पुर्तगाल का आपको वो 2 साल का मिल सकता है। बट आप काम किसी और कंट्री में जाके नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेजिडेंस आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी और कंट्री में जाके काम कर सके। आप सिर्फ लातविया में ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी जनों के और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि विद फैमिली यदि ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या पूरी फैमिली को रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। डेफिनेटली पूरी फैमिली को रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है। आपको वर्क वीज़ा का जो है कार्ड मिलेगा, बाकी अदर जो फैमिली मेम्बर होंगे उनको जो रेजिडेंस कार्ड है डिपेंडेंट का मिलेगा। उसके लिए आपको फ़ंड शो करने पड़ेंगे, लगभग 13 लाख रुपया पूरी फैमिली के लिए। वो आप बिल्कुल नए फंड शो कर सकते हो, आपको ओल्ड फंड नहीं चाहिए, जस्ट बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। आप दुबई में हैं तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं, आप यूके में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास शेंगेन वीज़ा ज़रूर होना चाहिए। शेंगेन वीज़ा में जो नंबर ऑफ़ एंट्री डेज होते हैं वो मिनिमम 15 वर्किंग डेज ज़रूर होने चाहिए। तो इतना टाइम पीरियड आपके पास है तो आप हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक कॉमन और क्वेश्चन था कि क्या हम रेजिडेंस कार्ड लेने के बाद इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको अलाउ करता है कि आप इंडिया ट्रैवल करें, चाहे आप किसी और कंट्री का वीज़ा है तो आप वहाँ पे भी ट्रैवल करें। आप मल्टीपल टाइम एंटर और एग्जिट कर सकते हैं लातविया से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो ज़रूर करने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी लातविया में ना रहें या आप शेंगेन जोन में ना रहें तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप कंटिन्यू ट्रैवल कर सकते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे हैं। इसके अलावा यदि आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपका उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करना हो तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास शेंगेन वीज़ा होना चाहिए। यदि आप शेंगेन जोन के अंदर हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास शेंगेन वीज़ा होना ज़रूरी है और ट्रैवल करने से 1 महीने पहले आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक PCC चाहिए जिसको प्रोसेस करने में एटलीस्ट 15 से 20 दिन लग जाएंगे। वो पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करनी होगी। जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं, चाहे दुबई में रह रहे हैं, चाहे वो यूके में रह रहे हैं, चाहे वो दुबई में रह रहे हैं, चाहे यूके में रह रहे हैं, तो उस केस में उनको जो PCC है वो वहीं से अप्लाई करनी है। आप यूके में इंडियन एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंडिया की जो PCC है नॉर्मल 20 से 25 दिन के अंदर मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी PCC बनवाएं और उसको अपोस्टल करवाना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो इसलिए 1 महीना पहले एटलीस्ट ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें, और जो भी आपके डाउट्स हों कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा यदि आपके क्वेश्चन हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें या कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।